अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ओके लेट्स स्टार्ट आवर ऑक्सफोर्ड बॉर्डर इन इंग्लिश प्राइमर बी एंड पेज नंबर टू स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस पढ़ा था वोबल साउंड्स की कितनी होती हैं टोटल uh, जो होते हैं देयर आर फाइव वोबल साउंड्स ए ई आई ओ यू ठीक है ये भी उसी से ही रिलेटेड है हमारे जो पीछे वाला हमने पेज uh, पढ़ा था ये उसी से ही रिलेटेड है तो बेटा नेक्स्ट अब हमारा है पेज नंबर टू और लेक्चर टू ठीक है व्हाट इज़ दिस इट इज़ अ क्वेल्ड कैसे करें आ क्यों यूज़ करें क्योंकि ये हमारा वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसी वजह से हम इसके साथ आ लगा रहे हैं इट इज़ अ क्वेल्ड व्हाट इज़ दिस इट इज़ अ रोप आर है आर जो है वो वॉवल नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट है इसके साथ भी हमारा आ आ रहा है वट इज़ दिस इट इज़ अ रोप व्हाट इज इज इट इज अ स्नेल व्हाट इज इज इट इज अ टैप व्ट इज इज इट इज एन अम्बरेला इट इज एन अम्बरेला हमारा जो यू जो है ये आख ही साउंड देते और ये हमारा वॉवल है और इसी वजह से इसके साथ जो है वो हम एन लगाएंगे इट इज एन अम्ब्रेला व्हाट इज इज इट इज वायोलिन इट इज़ अ वायोलिन व्हाट इज इज इट इज़ अ वॉल इट इज अ वॉल वट इज इज इट इज़ एन एक्स रे इट इज़ एन एक्स रे क्योंकि इसमें हमारी जो साउंड होती है वो हमारी वॉबल क्या आती है इसी वजह से इसके साथ जो है हम एन लगाते हैं वट इज़ दिस इट इज़ अ यॉक इट इज़ अ यॉक वट इज़ दिस इट इज़ अ जेबरा अब हमारे यहाँ रीड है तो इसको आपने रीड कर लें यॉक जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था यॉक टैप स्नेल स्नेल वायोलिन Umbrella, wall wall rope क्वेल्ट जेब्रा नेक्स्ट हमारा जो है एक्सरसाइज पुट दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मरात यह है कि जो हमारा लेटर स्टार्ट होगा ए से तो पहले हमने इस लाइन में उसको देखना है कि हमारा ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है जैसे हमारा एप्पल जो है वो ए से शुरू होता है तो इसमें देखेंगे क्या कोई ऐसा लेटर है जो ए से शुरू हो रहा है ये देखिए ये बी से शुरू हो रहा है ये फिर एम से शुरू हो रहा है ये जी से ये डब्ल्यू से इसमें ए से शुरू नहीं हो रहा अब हम ए के बाद देखेंगे क्या आता है ए के बाद हमारा बी आ जाती है ये देखिए बी के साथ जो है ना वो पहला पहला लेटर जो है वो बैड है अब बैड जो है ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमारा नंबर वन पर आता है बैड अब बी के बाद क्या आता है सी अब हम ये वर्ड ढूंढेंगे क्या हमारा सी में कोई आता है ये एम है ये जी है ये डब्ल्यू है इसमें तो बहुत सारे काफ़ी गैप है सी नहीं आ रहा फिर उसके बाद डी देखेंगे डी नहीं है हमने इसी फर्स्ट को ही देखना है फिर इसी तरीके से डी के बाद ई एफ जी एफ के बाद जी तो अब हमारा नंबर टू पर आ गया ग्रैप्स ठीक है पहला बैट फिर ग्रैप्स उसके बाद हमारा जी के बाद क्या आता है एच आई जे के एल एम जी एम एम से स्टार्ट हो रहा है मैट ये हमारा नंबर थ्री पर आएगा एम के बाद जो है हमारा एम एन ओ नहीं है तो डब्ल्यू पे आता है तो वो हमारा फोर पे यहाँ पे आ रहा है ठीक है इसी तरीके से हमारा ये है सेकंड वाला इसमें हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो नहीं हो रहा फिर हम बी को देखेंगे बी से नहीं हो रहा ये ई e से हो रहा है ये सी से ये डब्ल्यू से ये टी से ठीक है अब हमारा क्या हो रहा है बी के भी ख़त्म हो गया अब हमारा सी सी ये देखें हमारा सी जो है वन से हो रहा है तो हम इसको वन करेंगे सी के बाद डी होता है डी में यहाँ पे नहीं है तो ई डी के बाद डी मिसिंग हो चुका है और डी के बाद ई आता है तो ये हमारा नंबर टू पर हो गया इसी तरीके से टैप नंबर थ्री और वॉल नंबर फोर ठीक है अब हमारा पेज नंबर जो है वो थ्री है इसमें रिवीजन है आ बॉक्स आ मैंगो आ विंडो आ कैट आ जग आ बुक आ ट्री आ ट्री आ मैन आ वमेन आ बॉय आ गर्ल आ डेस्क आ फिश आ वॉल आ जू स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कैट किसको कहते हैं बिल्ली को कहते हैं आपके घरों में भी आती है आपने देखा होगा अक्सर और जग किसको कहते हैं जग में हम पानी वगैरह डालते हैं घर में यूज़ करते हैं ठीक है बुक जैसे ये मेरी बुक है ठीक है ट्री हो गया दरख्त को कहते हैं है. मैन जैसे आपके बाबा हैं है, मैन ठीक है वाम जैसे आपकी मम्मा है औरत बॉय जैसे आप बॉय हो गर्ल जैसे आपकी सिस्टर होती हैं गर्ल ओके डेस्क डेस्क बेंच को कहते हैं फिश मछली वॉल दीवार को कहा जाता है जू जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं इसी तरीके से अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एन एन हम किसके साथ शुरू करते हैं एन किसके साथ लगाते हैं जो कि हमारा वॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है एन एप्पल एन ऑरेंज एन एलिफेंट ठीक है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एन एक्स किसको कहते हैं कुल्हाड़े को एन एयर कान एन एग अंडा नाश्ते में भी खाते हैं एन ईग्लो ये ए, इग्लो जो है आपने देखा होगा अक्सर बुक पे जो है ना वो बना हुआ होता है ऐसे हार्ट टाइप होता है एन आर बाजू एन एंड चूंटी को कहते हैं एन इंसेक्ट सेक्ट वग़ैरह कीड़े मकोड़े एन ऑल उल्लू एन एरो तीर को कहा जाता है एल्बो एल्बो से मुराद आपकी कोहनी है ठीक है एन ईगल ओकाब को कहा जाता है अम्ब्रेला छतरी जो कि हम बारिश में भी लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका आज का जो लेक्चर नंबर टू है पेज नंबर टू और थ्री कंप्लीट होता है आपने इसको थ्री टाइम्स जो है वो पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है ओके okay बेटा और वॉबल साउंडस का भी आपने जो है वो उसको याद करना है अपनी फिंगर टिप्स पर कि कितने वॉबल साउंडस होते हैं टोटल फाइव होते हैं और क्या हो, कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ठीक है ओके -E okay जी थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड एंडल्ला हाफिज़